नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांथी टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज़ में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। पीड़ा में परिवार पड़ा है, भूखे बच्चे करते शोर। पीड़ा में परिवार पड़ा है, भूखे बच्चे करते शोर। मानव बस्ती डूबी पड़ी है, हाहाकार मचा चहुंओर। जब भी जलेगी शम्मा तो परवाना आएगा। क्या बात, जब भी जलेगी शम्मा तो परवाना आएगा, दीवाना लेके जान का नजराना आएगा। क्या बात, दीवाना लेके जान का नजराना आएगा। जल जाना होता है ना राजेश, ठीक है। तुझको भुला के लूंगा मैं खुद से भी इंतकाम, तुझको भुला के लूंगा मैं खुद से भी इंतकाम, जब मेरे हाथ में कोई पैमाना आएगा। क्या बात, जब मेरे हाथ में कोई पैमाना आएगा। क्या बात, आसान किस कदर है समझ लो मेरा पता। आसान किस कदर है समझ लो मेरा पता, बस्ती के बाद पहला जो वीरान आएगा। क्या बात है, बस्ती के बाद पहला जो वीरान आएगा। क्या बात, उसकी गली में सर की भी लाजिम है एहतियात। उसकी गली में सर की भी लाजिम है एहतियात, पत्थर उठा के हाथ में दीवाना आएगा। क्या बात है, पत्थर उठा के हाथ में दीवाना आएगा। आखिरी शेर राजेश जी, नासिर जो पत्थरों से नवाजा गया हूं मैं, नासिर जो पत्थरों से नवाजा गया हूं मैं, मरने के बाद फूलों का नजराना आएगा। क्या बात, मरने के बाद फूलों का नजराना आएगा। ख्वाहिश है शायर की। चलिए राजेश, नासिर कासमी साहब की एक गजल। कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। क्या बात है, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। अहमद फराज साहब और फराज साहब के बारे में क्या कहना, इनकी एक छोटी गजल लेकिन बहुत गहरी गजल। आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। क्या बात, आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। क्या बात, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। क्या बात, इतना मानूस ना हो खलबते गम से अपनी, इतना मानूस ना हो खलबते गम से अपनी, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। क्या बात, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। क्या बात, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं। वाह, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। क्या बात है, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शीश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। क्या बात, तेरी बख्शीश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। क्या बात, आखिरी शेर देखिए जी। जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज। क्या बात, जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। क्या बात, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। अहमद फराज साहब का ये कलाम राजेश। अख्तर शेरानी, क्या बात, बहुत बड़े शायर थे, इनकी एक गजल, गजल इसमें शेर कम है लेकिन गहराई बहुत अधिक है। ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए। क्या बात, ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो उम्र क्या हुई वो उम्र क्या हुई वो जमाने किधर गए। क्या बात है, वो उम्र क्या हुई वो जमाने किधर गए। क्या बात, वीरान है सहन, वीरान है सहन बाग, बहारों को क्या हुआ। वीरान है सहनोबाग, बहारों को क्या हुआ, वो बुलबुलें कहाँ वो तराने किधर गए। क्या बात, वो बुलबुलें कहाँ वो तराने किधर गए। क्या बात है, नजद में सुकूत हवाओं को क्या हुआ। है नजद में सुकूत हवाओं को क्या हुआ, लैलाएं हैं खामोश। क्या बात, लैलाएं हैं खामोश दीवाने किधर गए। लैलाएं हैं खामोश दीवाने किधर गए। क्या बात, उजड़े पड़े हैं दस्त गजालों पे क्या बनी, उजड़े पड़े हैं दस्त गजालों पे क्या बनी, सुने हैं कोहसार दीवाने किधर गए। क्या बात, सुने हैं कोहसार दीवाने किधर गए। वो हिजर में विसाल की उम्मीद क्या हुई, वो हिजर में विसाल की उम्मीद क्या हुई, वो रंज में खुशी के बहाने किधर गए। क्या बात, वो रंज में खुशी के बहाने किधर गए। आखिरी शेर देखिए राजेश, दिन रात मैं कदे में गुजरती थी जिंदगी। क्या बात, दिन रात मैं कदे में गुजरती थी जिंदगी, अख्तर वो बेखुदी के जमाने किधर गए। क्या बात, अख्तर वो जिंदगी के वो बेखुदी के जमाने किधर गए। क्या बात, तो अख्तर शीजान अख्तर साहब की एक गजल राजेश।
कि बाढ़ में डूबती जिंदगियों का सहारा बन, खड़ा रहता है जो अटल बनकर, डूबती जिंदगियों का वो किनारा बन। निर्मल असो साहब धर्मशाला के साहित्यकार, उनकी एक नई रचना जो एक कविता है वो सामने आई है, दर्शकों को मैं सुनाना चाहूंगा, प्रयास करता हूँ। सपने टूटते हैं, ये इसका टाइटल है राजेश। मैं शुरुआत करता हूँ। जिंदगी में ख्वाबों का घर कभी तेरे मोहल्ले में था। क्या बात। जिंदगी में ख्वाबों का घर कभी तेरे मोहल्ले में था, तेरे धर्म में था, तेरी जाति के ऊंच नीच से हटकर समतल बराबरी की जमीन पर सीधा और सरल था। क्या बात। घर जैसा होता है ठीक वैसा ही होता है, चंद अपनों के बीच सुकून के अपनत्व में उसका दर्द मेरा होता, तब चूल्हा वार्तालाप नहीं करता, किसी मौखिक खिचड़ी को उबाल कर मिला देता, हर चावल हर दाने को दाने से मिला देता। क्या बात। हर चावल हर दाने को दाने से मिला देता। ख्वाबों की कहां पलकें होती, पलकें खुले आसमान की, धरती पर हर शान की, इंसान के इम्तिहान की, बेड़ियों के इत्मीनान की बदौलत सपने टूटते हैं। क्या बात। जहां गली मोहल्ले रूठते हैं, जहां गली मोहल्ले रूठते हैं वहीं सारे रास्ते बंद हैं, वहां चिड़ियाघर में इंसान अपने भीतर बंद है, बाहर दरवाजों पर स्वागत की मुद्रा में की गई घोषणाएं कितनी गूंगी हैं। क्या बात। की गई घोषणाएं कितनी गूंगी हैं, हमारे बहरे कान कहां सुन पाएंगे, हमारे बहरे कान कहां सुन पाएंगे, फिर भी कोशिश है कि सुनहरा ख्वाब देखा जाए। क्या बात। फिर भी कोशिश है कि सुनहरा ख्वाब देखा जाए। क्या बात। कल जो शहर में जल रहा था आज उसे सपनों में न देखा जाए। क्या बात। आज उसे सपनों में न देखा जाए। सपने आंगन तक पहुंचे हैं, सपने आंगन तक पहुंचे हैं तो आंख में भी आएंगे। क्या बात। लेकिन आंख कर्जदार है देश के सपनों में, आजादी से ही जो हमने उधार लिया उसे ही चुका रही है हमारी आंख, देश के लिए हमारी आंख वही सब कुछ देख रही है जो सपनों में भारत दिखा रहा है। क्या बात। वही सब कुछ देख रही है जो सपनों में भारत दिखा रहा है। क्या बात। अब ना तो आंख निजी रह गई और ना ही सपना, अब ना तो आंख निजी रह गई और ना ही सपना, सपने कब्जे में आंख को सुला रहे हैं। क्या बात। सपने कब्जे में आंख को सुला रहे हैं, बिना पलक खोले सारा भारत सपनों में भविष्य देख रहा है। क्या बात। बिना पलक खोले सारा भारत सपनों में भविष्य देख रहा है। क्या बात। निर्मल असु साहब की ये नई रचना राजेश। पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अदीम हाशमी साहब बढ़िया शायर हैं, इनकी एक गजल है जे। बड़ा वीरान मौसम है कभी मिलने चले आओ, बड़ा वीरान मौसम है कभी मिलने चले आओ, हर एक जानिब तेरा गम है कभी मिलने चले आओ। क्या बात। हर एक जानिब तेरा गम है कभी मिलने चले आओ। हमारा दिल किसी गहरी जुदाई के भंवर में है, हमारा दिल किसी गहरी जुदाई के भंवर में है, हमारी आंख भी नम है कभी मिलने चले आओ। क्या बात। हमारी आंख भी नम है कभी मिलने चले आओ। क्या बात। मेरे हमराह गरचे दूर तक लोगों की रौनक है, मेरे हमराह गरचे दूर तक लोगों की रौनक है, मगर जैसे कोई कम है कभी मिलने चले आओ। क्या बात। मगर जैसे कोई कम है कभी मिलने चले आओ। क्या बात। तुम्हें तो इल्म है मेरे दिले वहशी के जख्मों को, तुम्हारा वसल मरहम है कभी मिलने चले आओ। क्या बात। तुम्हारा वसल मरहम है कभी मिलने चले आओ। अंधेरी रात की गहरी खामोशी और तन्हा दिला, अंधेरी रात की गहरी खामोशी और तन्हा दिला। क्या बात। दिए की लौ भी मध्यम है कभी मिलने चले आओ। क्या बात। तुम्हारे रूठ के जाने से हमको ऐसा लगता है मुकद्दर हमसे बरहम है कभी मिलने चले आओ। आखिरी शेर राजेश। हवाओं और फूलों की नई खुशबू बताती है,
हवाओं और फूलों की नई खुशबू बताती है, तेरे आने का मौसम है, तेरे आने का मौसम है, कभी मिलने चले आओ, तेरे आने का मौसम है, कभी मिलने चले आओ। प्रदेश के हादसों के शहर में एक और हादसा हो गया, हादसों के शहर में एक और हादसा हो गया, मकान सब मटिया मिट हुए और जान की कीमत भी कुछ ना मिली। आमिर अमीर साहब यूनाइटेड किंगडम लंदन में रहते हैं, ये बहुत अच्छा लिखते हैं और ये थोड़ा हटके भी लिखते हैं। इनकी एक गजल है, मेरी दीवानगी खुद साख्ता नहीं, मेरी दीवानगी खुद साख्ता नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा चाहता नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा चाहता नहीं, सुकून चेहरे का तेरे कह रहा है, सुकून चेहरे का तेरे कह रहा है कि ए दुश्मन तू मुझको जानता नहीं, क्या बात, कि ए दुश्मन तू मुझको जानता नहीं, ये दिल गुस्ताख होता जा रहा है, ये दिल गुस्ताख होता जा रहा है कि सुनता है मेरी पर मानता नहीं, क्या बात, बहुत सुनता है मेरी पर मानता नहीं, मुझे डर है मोहब्बत में अगर वो, मुझे डर है मोहब्बत में अगर वो कहीं कह दे खुदा न खास्ता नहीं, नहीं। कहीं कह दे वो खुदा न खास्ता नहीं, अगरचे दिल कहीं पर हार आया, अगरचे दिल कहीं पर हार आया, मगर फिर भी मैं दिल बर्दाश्ता नहीं, मगर फिर भी मैं दिल बर्दाश्ता नहीं। अमीर आखिरी शेर है, अमीर इस इश्क का मुझसे न पूछो, अमीर इस इश्क का मुझसे न पूछो, पता तुम सबको है किसको पता, किसको नहीं? पता नहीं, क्या बात, पता तुम सबको है किसको पता नहीं। आमिर आमिर साहब की ये गजलों का अर्थ, चक्की के पाट में पिसकर भी साबुत रहेंगे सारे गुनाह, क्या बात, चक्की के पाट में पिसकर भी साबुत रहेंगे सारे गुनाह, और चीख कर कहेंगे जे कितने कत्ल कितने राज दफन है तेरे सीने में। शिव मंगल सिंह सुमन इनकी एक कविता लाए हैं जी, देखिए क्या लिखते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अखंड में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, या असीम निज सीमा जाने सागर भी तो या पहचाने, या असीम निज सीमा जाने सागर भी तो या पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये शिव मंगल सिंह सुमन थे ओंकार जी। कार्यक्रम में अब सुनिए सोलन से कुल राजीव पंत की कृति खुद उनकी ही आवाज में। मैं कुल राजीव पंत, मुझे इस मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए दिव्य हिमाचल का आभार। कविता का शीर्षक है नदी के पत्थर। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते, नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते, नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। जहां एक नाव चलती घबराई मछलियां बाहर जाने का रास्ता तलाशती रहती। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए माँ पुकार रही है। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए माँ पुकार रही है। बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते, बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते, पर भीतर बैठा पानी कब आग को डरा देता और पानी कब आग से डर जाता पता न लगता। बच्चे आग के खेल से खींचकर
बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। कश्तियां तो चल नहीं पाती पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। कश्तियां तो चल नहीं पाती पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।